The fourth question is simplify so and so expression एंड फाइंड इट्स वैल्यू. मीन्स इसमें एडिशनल एक चीज़ दिया हुआ है कि हमें वैल्यूज फाइंड करनी है x की डिफरेंट डिफरेंट. 4x माइनस 5 प्लस 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यूज फॉर x इक्वल टू 3 फर्स्ट पार्ट एंड x इक्वल टू हाफ. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे. आवर क्वेश्चन इज 3x 4x माइनस 5 प्लस 3. सिंपल मल्टीप्लीकेशन 3x इंटू 4x 3x इंटू 5 प्लस 3. फाइन, नंबर नंबर से तो 3 4 जो 12 एक्स स्क्वायर माइनस 5 3 जो 15 एक्स प्लस 3. नाउ दिस इज योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब हमें क्या करना है, इसे फॉर एक्स इक्वल टू 3 फॉर एक्स इक्वल टू 3. इस क्वेश्चन में x की प्लेस पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 3 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3. सिंपल सब्स्टिट्यूशन. 3 स्क्वायर इज 9, 12 9 is 108, 45 plus 3, ये हो जाएगा 111 minus 45, so finally it is 66, बहुत ही सिंपल था. Now second part, for x equal to half, our question is 12 x square, so in place of x I am substituting half, 15 into half plus 3. Fine. Now half square means 1 by 2 into 1 by 2. Kya hota hai 1 by 2 into 1 by 2? 1 by 4. So 12 into 1 by 4. Student, ye decimal jaisa nahi hai ye. It's a point or dot. It is used for product, multiplication aur aap jo chahe se samjhe. Thik hai? Minus 15 by 2 plus 3. 4 3s are 12. 3 minus 15 by 2 plus 3. 3 and 3 is 6 minus 15 by 2. Iske denominator mein kuch nahi hai, to hum 1 laga diya. LCM lenge, 6 2s are 12 minus 15 into 1. So yeah, aapke paas 12 minus 15 by 2 means minus 3 by 2 is your answer. तो x इक्वल टू हाफ के लिए आपका आंसर है माइनस 3 बाई 2 एंड x इक्वल टू 3 के लिए आंसर है 66. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम, सिंप्लीफाई एंड देन फाइंड द वैल्यू. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट ऑफ बी, बी इज simplify a square plus a plus 1 plus 5. Find its values for. There are three cases, a equal to 0, second is a equal to 1 and थर्ड इज a इक्वल टू माइनस 1. सिंपल सा एक्सप्रेशन है, उसको पहले सिंप्लीफाई करें. a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई होंगे. a इंटू a स्क्वायर इज a क्यूब, a स्क्वायर प्लस a प्लस 5, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन. अब हमें इसमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. फर्स्ट इज फॉर a इक्वल टू 0, आपका एक्सप्रेशन है. इन प्लेस ऑफ a आप क्या करेंगे, 0 क्यूब 0 स्क्वायर 0 प्लस 5. 0 का क्यूब हो चाहे कुछ भी हो, 0 इज ऑलवेज 0. 0 का मल्टीप्लाई 0 से कितनी भी बार करें वो 0 ही रहना है. देयर इज नो नीड टू राइट दिस. आप इन सब की जगह 0 प्लस 5
मीन्स 5। डायरेक्टली भी कर सकते थे, मैंने केवल आपके समझने के लिए ऐसा ऐसा लिखा है, ठीक है। सेकेंड इज फॉर a इक्वल टू 1, सेम पैटर्न में हम 1 पुट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन, 1 क्यूब 1 स्क्वायर 1 प्लस 5। 1 क्यूब मीन्स 1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 को हम कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करें द रिजल्ट विल बी 1। तो इनके आंसर्स क्या आ गए, 1। फाइनली इट इज 8। बहुत ही सिंपल था। नाउ फॉर एक a इक्वल टू -1, सेम क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5। यहाँ पर स्टूडेंट आपको ध्यान देना है, इट इज -1 का क्यूब। जैसा मैंने आपको बताया 1 का क्यूब था तो आंसर क्या था, 1। 1 की पावर 100 है तो भी आंसर 1। 1 की पावर 10,000 है, 1 की पावर 5,000 है, कुछ भी है, 99 है तो भी आंसर 1। बट इन द केस ऑफ माइनस आंसर विल चेंज। माइनस की पावर अगर 2 है, इट मीन्स क्या है, -1 × -1। आप पहले एक एक मल्टीप्लाई करके देखें, 1 × 1 = 1, माइनस माइनस इज प्लस। इसको जरा ध्यान दीजिए, -1 की पावर अगर 3 है, मैं एक दो एग्जाम्पल लेके इसलिए बता रही हूँ कि फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं। 1 तो 1 हो गया, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। एक और केस लेंगे जिससे आपको एकदम क्लियर हो कि इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। 1 तो 1 ही है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एंड दैट माइनस एंड माइनस इज प्लस। इससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब माइनस की पावर 2 है, 4 है, तो आंसर प्लस में आया। तो अगर माइनस की पावर 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, तो भी आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। बट माइनस जो भी है नंबर, उसकी पावर 3 है, तो आंसर क्या आया है, माइनस। तो जब पावर 5 होगी तो भी आंसर माइनस आएगा, पावर 7 होगी, 9 होगी, 11 होगी, एंड वॉट एवर, तब भी आंसर माइनस आएगा। सो वी कैन कंक्लूड दैट इवन माइनस की पावर अगर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा, और माइनस की पावर अगर ऑड में है तो आंसर नेगेटिव आएगा। मीन्स पावर विल डिसाइड कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ ऑड है तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगी, -1। प्लस ये इवन है तो इसका आंसर +1, ये ±1 + 5, ठीक है। सो अब आपका फाइनली आंसर क्या हुआ, 5 and 1 = 6, 6 में से 2 गया तो आंसर इज 4। मीन्स यहाँ पर किस नंबर ने डिसाइड किया कि साइन क्या लगेगा, पावर ने डिसाइड किया। पावर अगर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आया इस पर्टिकुलर केस में, और पावर इवन है तो आंसर प्लस आया, ठीक है। सो योर आंसर इज 4। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 5th क्वेश्चन। 4th वी ऑलरेडी डिड, नाउ मूविंग टू द 5th। फर्स्ट पार्ट ऑफ 5th क्वेश्चन इज एड p - q, q - r, r - p। तीन एक्सप्रेशंस दिए हैं, हमको इन्हें ऐड करना है। सो व्हाट विल डू, विल पुट द साइन प्लस बिकॉज वी वांट टू ऐड दीज एक्सप्रेशंस। प्लस r - p, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, p × p - p × q। फर्स्ट इज सॉल्व बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। मुझे लगता है कि मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने यूज टू हो गए होंगे कि आप इजीली अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने लगेंगे, ठीक है। कितना सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो गया। नाउ p² - pq + q² - qr + r² - rp।
नाउ लाइक टर्म ढूंढेंगे, बट इसमें कोई लाइक नहीं दिख रही है, तो हम इसे प्रॉपरली अरेंज करके लिखेंगे। पहले हमने सारे पी क्यू स्क्वायर आर लिख दिया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर लिख दिया, माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। सिंपल ऐड का क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व भी हो गया। नाउ बी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ऐड, 2x z माइनस एक्स माइनस वाई एंड द सेकेंड एक्सप्रेशन इज 2y z माइनस y माइनस एक्स। ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले हम प्रॉपरली लिखेंगे प्लस 2y z माइनस y माइनस एक्स, दोनों को हमने क्या किया, क्लब कर दिया, ऐड कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2x इंटू z 2x इंटू x 2x इंटू y, ये हो गया। प्लस सेम पैटर्न 2y इंटू z माइनस 2y इंटू y माइनस 2y इंटू x, फाइन। नाउ मल्टीप्लाई 2xz 2x स्क्वायर 2xy प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर 2yx। इसमें भी हम लाइक टर्म्स फाइंड करेंगे, हमें कोई लाइक टर्म नहीं दिख रही एक्सेप्ट दीज टू टर्म। ये भी 2xy है, ये भी 2xy है। आप कहेंगे यहाँ तो मैम 2yx है, बट मल्टीप्लाई में आप xy लिखें चाहे yx लिखें, लेट्स से 2 इंटू 3 करें चाहे 3 इंटू 2 करें। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये दो जो हैं वो सॉल्व होंगी, बाकी मुझे कोई भी लाइक नहीं दिख रही है, तो मैं प्रॉपरली उसे कॉपी कर देती हूँ। 2xz प्लस 2yz, ये हमने सारा कॉपी किया एंड ये मिलके हो गया 4xy, बिकॉज बोथ आर हैविंग साइन माइनस, सो माइनस 2 एंड माइनस 2 इज माइनस 4। तो फिफ्थ के ये दोनों क्वेश्चन थे ऐड के। अब इसी क्वेश्चन के दो और पार्ट हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, अब वो सब्ट्रैक्शन के हैं। ठीक है, ए एंड बी एडिशन के थे, अब हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ का सी, सब्ट्रैक्ट 3l l माइनस 4m प्लस 5n सॉरी l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l। स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर बहुत ही नोटिस करने वाला जो वर्ड है दैट इज फ्रॉम। फ्रॉम जब भी आता है तो हमें एकदम अवेयर हो जाना चाहिए, हमें सेकेंड टर्म को पहले लिखना है एंड फर्स्ट टर्म को बाद में और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सिंपल सब्ट्रैक्शन होता तो बात अलग थी, बट फ्रॉम है तो आपको बहुत ही केयरफुल हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे, बिकॉज ऑफ फ्रॉम 10n माइनस 3m प्लस 2l, ये हो गया आपका टर्म। फ्रॉम के कारण क्या हो गया, फ्रॉम लगा दिया हमने, मीन सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3l l माइनस 4m प्लस 5, 5n मैं क्यों भूल जा रही हूँ n। ठीक है, ना मल्टीप्लाई, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आप इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि आपको इमीडिएटली लगाना आने लगा है 2l स्क्वायर 2l। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई, माइनस 3l इंटू l 3l इंटू 4m प्लस 3l इंटू 5n, फाइन। 4 इंटू 10 इज 40ln माइनस 4 थ्री ज 12 ln प्लस 8l स्क्वायर, ये हमारा सॉल्व हो गया।
माइनस 3L स्क्वायर माइनस 3 फोर जा 12LM प्लस 5 3 जा 15LN। ठीक है, अब क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन जो है हम वो चेंज करेंगे, कौन से टर्म में, सेकेंड टर्म में। 3L स्क्वायर प्लस का था, इट विल कन्वर्ट इनटू माइनस बिकॉज ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस। माइनस का 12LM जो है प्लस का हो जाएगा माइनस 15LN। अब हम लाइक टर्म कलेक्ट करेंगे, एक तो मुझे ये लाइक दिख रहे हैं तो मैंने ले लूंगी, ठीक है। LN, LN ये भी है, LN ये भी है, सो ये हो जाएगा 40LN माइनस 15LN। नाउ LM, ये वाला मैं कलेक्ट नहीं करूंगी, अगर यहाँ आप ध्यान दें तो इट इज माइनस 12LM एंड इट इज प्लस 12LM, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, लाइक माइनस एक्स प्लस एक्स इज जीरो, तो ये इजी हो गया। अब हमारा केवल इतना ही एक्सप्रेशन बचा है, ठीक है। अब 8 में से 3 गया सो 5L स्क्वायर एंड 40 में से 15 गया तो 25LN, सो ये आपका सॉल्व हो गया। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन सिंपल था बट यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड था दैट इज फ्रॉम, ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, इसे इग्नोर कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस टर्म को लिख देंगे माइनस, इस टर्म को लिख देंगे, जबकि इस क्वेश्चन में क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट, सेकेंड एक्सप्रेशन पहले आएगा एंड फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकेंड प्लेस पे आएगा। नाउ डी इज ऑल्सो द सेम एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज डी। 3A A प्लस B प्लस C माइनस 2B A माइनस B प्लस C फ्रॉम 4C माइनस A प्लस B प्लस C, अगेन यहाँ पर फ्रॉम है मीन्स ये टर्म पहले आएगी ये बाद में, बट इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा देखें तो ये काफ़ी बड़ी टर्म दिख रही है, ठीक है, तो क्यों ना हम इससे पहले सॉल्व कर लें, थोड़ा इजी कर लें, ठीक है। इसको मैं नाम दे देती हूँ फर्स्ट पार्ट एंड इसे आई एम गिविंग नेम सेकेंड, फर्स्ट आई विल सॉल्व फर्स्ट पार्ट। अभी मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर रही, ओनली सिंप्लीफाई कर रही हूँ फर्स्ट पार्ट को, ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू बी ए माइनस बी प्लस सी, बिकॉज ये इट्सेल्फ ही काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन है तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3A मल्टीप्लाई बाय A प्लस 3A मल्टीप्लाई बाय B प्लस 3A मल्टीप्लाई बाय C, ये हो गया फर्स्ट, माइनस 2B मल्टीप्लाई बाय A 2B मल्टीप्लाई बाय B प्लस 2B मल्टीप्लाई बाय C, ये हो गया, ठीक है। अब इसको ओपन करें, 3A स्क्वायर 3AB 3AC, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा एंड ये माइनस हो जाएगा, फाइन। फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया, नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड इज 4C माइनस A प्लस B प्लस C, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा 4C माइनस A प्लस 4C मल्टीप्लाई बाय B प्लस 4C मल्टीप्लाई बाय C, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इट विल गिव यू माइनस 4C A प्लस 4C B प्लस 4C स्क्वायर, दिस इज योर सेकेंड पार्ट। नाउ योर क्वेश्चन वॉज सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट पार्ट की प्लेस पे आपके क्या आ चुका है, 3A स्क्वायर प्लस 3AB प्लस 3AC माइनस 2BA प्लस 2B स्क्वायर माइनस 2BC फ्रॉम, सेकेंड इज 4C A प्लस 4C B
प्लस 4c स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन को अरेंज करेंगे, फ्रॉम है तो उसको यूटिलाइजेशन करेंगे, तो अब आप कैसे लिखेंगे, 4ca प्लस 4cb प्लस 4c स्क्वायर माइनस ये पूरा टर्म 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ba प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc। अब देखिए कितना सिंपल हो गया आपका, आपने एक्सप्रेशन लिख दिया, ब्रैकेट ओपन करिए, 4cb प्लस 4c स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के सारे साइन जो हैं जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे, प्लस 3ab इज माइनस 3ab माइनस 3ac प्लस 2ba माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc। आप कुछ अगर लाइक हैं तो कलेक्ट कर लें, अदरवाइज नॉर्मल लिख दें, 4c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, दे आर नॉट लाइक तो मैंने इन्हें लिख दिया। अब मैं abc वाले कलेक्ट करूँ, ca दिस इज ऑल्सो ca, देखिए ये और ये लाइक टर्म है तो हम इन्हें साथ लिख दें, 4ca माइनस 3ac, ये हो गई दोनों टर्म। इसके बाद cb, दिस इज cb एंड दिस इज ऑल्सो cb, सो 4cb प्लस 2cb, ये भी हमने कलेक्ट कर ली, ये वाली एंड ये वाली। अब हमारे पास कौन सी बची, ab वाली, दिस वन एंड दिस वन, माइनस 3ab प्लस 2ba। अब कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा देखिए आप, ये 4c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर एज इट इज, 4ca में से 3ca गए तो 1ca मीन्स ac, 4cb एंड 2cb मिलके 6cb एंड यहाँ पर माइनस ab, वाई माइनस बिकॉज माइनस 3 बड़ा है तो साइन बढ़ेगा, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। इसको हमने कैसे सॉल्व किया, हमने पहले पार्ट्स को ही सॉल्व कर लिया देन क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से भी डायरेक्टली भी कर सकते थे, अब आपको इसमें से जो बेटर लगे आप उसे प्रेफरेंस दीजिएगा, ठीक है। अल्टरनेट हम बता रहे हैं, सो द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन सबट्रैक्ट डी, सबट्रैक्ट 3a a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b ए माइनस बी प्लस सी फ्रॉम 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, फ्रॉम है तो वो टर्म हम पहले लिखेंगे, 4c मल्टीप्लाई बाय माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया सेकेंड टर्म, माइनस पूरा की पूरा फर्स्ट टर्म 3a a प्लस बी प्लस सी, बहुत केयरफुली आप इसे लिखिएगा, माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नाउ एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे, 4c मल्टीप्लाई बाय माइनस ए प्लस 4c मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 4c मल्टीप्लाई बाय सी, ये तो हो गया आपका ये पार्ट, माइनस 3a मल्टीप्लाई बाय ए प्लस 3a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 3a मल्टीप्लाई बाय सी, ये हमने कर लिया माइनस। देखिए यहाँ पे दो सब पार्ट हो गए, हमने अभी केवल ये सॉल्व किया, अब हम ये वाला करेंगे, माइनस 2b मल्टीप्लाई बाय ए 2b मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 2b मल्टीप्लाई बाय सी, फाइनली हमारा ये सब पार्ट सॉल्व हो गए, ठीक है। आप देखिए 4c मल्टीप्लाई बाय ए इज माइनस 4ca प्लस 4cb प्लस 4c स्क्वायर, फाइन ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 3a स्क्वायर 3ab 3ac माइनस 2ba 2b स्क्वायर 2bc।
अब यहाँ पर सॉल्व होगा माइनस फोर सी ए प्लस फोर सी बी प्लस फोर सी स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट। अब हम ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसे सॉल्व करेंगे, थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए बी प्लस थ्री ए सी, आउट ऑफ द ब्रैकेट इज माइनस, अंदर के साइन चेंज, टू बी ए प्लस टू बी स्क्वायर बिकॉज इट इज माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगेन एक बार साइन और चेंज होगा बिकॉज ये पूरा जो पार्ट है इसके बाहर क्या है, माइनस, फोर सी ए फोर सी बी फोर सी स्क्वायर, ये तो हमने क्या किया, कॉपी, अंदर की सारी टर्म के साइन चेंज, माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस थ्री ए बी माइनस थ्री ए सी, ये माइनस है तो इट विल बिकम प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सब कुछ हमने सॉल्व कर लिया, अब हम सारी लाइक टर्म कलेक्ट करेंगे और जो बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हो रही है वो पहले लिख लेंगे, फोर सी स्क्वायर एंड थ्री ए स्क्वायर एंड टू बी स्क्वायर, ये तीन तो बिल्कुल अनलाइक टर्म है, एक ये एक ये एंड एक ये, इनको हमने पहले ही लिख लिया। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, माइनस फोर सी ए, सी ए वाला टर्म ढूंढेंगे, ये अगेन माइनस का सी ए है, माइनस फोर सी ए माइनस थ्री सी ए, हमने लाइक टर्म कलेक्ट कर लिया। दूसरा देखेंगे फोर सी बी एंड टू सी बी प्लस फोर सी बी प्लस टू सी बी, ठीक है, ये भी लाइक ले लिया। उसके बाद एक और बचा माइनस थ्री ए बी प्लस टू बी ए, माइनस थ्री ए बी प्लस टू बी ए। अब आप डेफिनेटली कहेंगे कि मैम ये बी है और ये बी है तो लाइक कैसे हुए, बिकॉज मल्टीप्लाई भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, आप चाहे ए इंटू बी लिखें चाहे बी इंटू ए, दोनों का मीनिंग ए बी और ए बी ही रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सब कलेक्शन कर लिया, फोर सी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, ये हमने लिया, माइनस फोर एंड माइनस थ्री विल गिव यू माइनस सेवन सी ए प्लस फोर एंड टू विल गिव यू सिक्स सी बी और बी सी, जो आप लिखना चाहें, एंड माइनस थ्री ए बी प्लस टू ए विल गिव यू माइनस ए बी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, फोर सी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सिक्स बी सी माइनस सेवन सी ए। सो स्टूडेंट, ये सिंपल था बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था, सॉल्व करना है आपको सब्ट्रैक्ट, बट फ्रॉम दिया है और फ्रॉम जब भी देंगे तो हमें सेकेंड एक्सप्रेशन को पहले लिखना है एंड फर्स्ट एक्सप्रेशन को बाद में लिखना है। सो दिस वॉज 9.3, नाउ मूविंग टू द 9.4।